ओके, सो हमने अभी कैलकुलेशन किया, हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर को कैलकुलेट किया उस फॉर्मूले के बेसिस पे। नाउ क्या हम और दूसरे मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को भी कैलकुलेट कर सकते हैं? यस ऑब्वियसली। तो चलिए सबसे पहले हम लिख देते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू 4/3, और 4/3 को डिवाइड कर देंगे सो यू विल गेट 1.33। दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। क्या हम ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं? यस कर सकते हैं, क्योंकि फॉर्मूला तो वही है। सो लेट अस राइट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज एन जी। एन रिप्रेजेंट करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जी रिप्रेजेंट करता है कि जो मीडियम है वो क्या है, ग्लास। सो आई विल राइट दिस इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। सो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज दिस, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज दिस। सो लेट अस डिवाइड दीज टू वैल्यूज। दिस इज 3 × 10⁸ अपॉन 2 × 10⁸। इसको सॉल्व कर लीजिए, यू विल गेट 1.5। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज इक्वल्स टू 1.5। कितना हुआ? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5। क्या हम एयर का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट कर सकते हैं? यस वी कैन कैलकुलेट दिस। सो लेट अस कैलकुलेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। सो एन ए से हमने रिप्रेजेंट किया, एन इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ए इज द मीडियम एंड मीडियम इज एयर। सो आई विल राइट स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। नाउ अब हमें ऐसा बाय डिफॉल्ट मानना है कि जो एयर होता है और वैक्यूम होता है ये बिल्कुल सेम है, इसमें कोई अंतर नहीं है। लाइट की स्पीड में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं आता। जैसे कि वैक्यूम में मान लीजिए लाइट की स्पीड 3 × 10⁸ है और एयर में होगी 2.9 × 10⁸। सो हार्डली 0.1 का डिफरेंस आने वाला है, बट ये कोई डिफरेंस बहुत बड़ा नहीं है। सो इट मीन्स आई कैन से कि वैक्यूम में लाइट की स्पीड इज 3 × 10⁸ एंड एयर में भी लाइट की स्पीड इज 3 × 10⁸। सो लेट अस सब्स्टिट्यूट दीज वैल्यूज। सो वॉट यू विल गेट बाय सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज, आई विल से एन ए इज इक्वल्स टू 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय 3 × 10⁸। दोनों को कैंसिल कर दीजिए एंड यू विल गेट एन ए इज इक्वल्स टू 1। दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज इक्वल्स टू 1। तो हमने ये देखा कि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1.33। और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। क्या अब हम ये जो कंक्लूजन्स हैं इन कंक्लूजन्स को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बेसिस पे कैलकुलेट कर सकते हैं? क्या हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देख के बता सकते हैं कि कौन सा मीडियम डेंस है और कौन सा मीडियम लाइट है? यस हम बता सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि अगर आपने देखा होगा हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेशन में जो मीडियम लिया, जैसे कि यहाँ ग्लास लिया, तो उस मीडियम की स्पीड को हमने डिनोमिनेटर में रखा, जैसे कि वाटर का कैलकुलेट किया था तो आपने स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर को जो था उसको डिनोमिनेटर में रखा, ग्लास के केस में स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास को डिनोमिनेटर में रखा। सो इट मीन्स जिस भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उस मीडियम में लाइट की स्पीड कम होगी। सो वी विल राइट मीडियम विथ हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
इज अ डेंसर मीडियम. मीडियम विद हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ डेंसर मीडियम. मतलब जिस मीडियम में लाइट की स्पीड कम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, और जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है वो ऑप्टिकली डेंसर है जहां पे लाइट की स्पीड कम है. दोनों चीजें सेम है, बस बोलने का तरीका अलग है. एक जगह आप लाइट की स्पीड के बेसिस पे मीडियम को कंपेयर कर रहे हो, एक जगह आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बेसिस पे कंपेयर कर रहे हो. सो हम देख सकते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम तो कॉन्स्टेंट है, ये कभी चेंज होना नहीं है. इट मीन्स जितना ज्यादा इसकी वेलोसिटी, स्पीड ऑफ लाइट जो होगी वो जितना ज्यादा बढ़ेगी उतना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा. जितनी ज्यादा वेलोसिटी कम होगी, स्पीड कम होगी, उतनी ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा. वी विल कंपेयर दिस वैल्यूज, हमें अभी और डिटेल में इसको समझ में आएगा. सो मीडियम विथ हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ डेंसर मीडियम. सो अगर हम कंपेयर करें वाटर में, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.3 एंड एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1. सो इट मीन्स कौन डेंसर हुआ? ऑब्वियस सी बात है वाटर, क्योंकि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है. सो ऑन द बेसिस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आई कैन से वाटर इज डेंसर देन एयर. ओके, तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? यस, वाटर इज ऑप्टिकली डेंसर देन एयर. हमने स्पीड ऑफ लाइट के बेसिस पे जो कैलकुलेशन किया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बेसिस पे, वो कैलकुलेशन बिल्कुल सही है, वो बिल्कुल सही सही हमें रिजल्ट दे रहा है. ओके, क्या हम ग्लास और एयर को कंपेयर कर सकते हैं? हमने देखा कि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1. ग्लास का कितना है? ग्लास का 1.5. सो कौन ज्यादा डेंसर हुआ, किसका ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? ग्लास का. सो इट मींस ग्लास इज ऑप्टिकली डेंसर देन एयर, और ये स्टेटमेंट भी ट्रू है, हमने अभी लिखी थी. नाउ क्या हम वाटर और ग्लास को कंपेयर कर सकते हैं? कैन वी कंपेयर वाटर एंड ग्लास? यस, अगेन द सेम थिंग. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.33 एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5. तो कौन सी वैल्यू ज्यादा है? ऑब्वियसली दिस. सो इट मींस ग्लास इज डेंसर देन वाटर. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज मोर देन वाटर, सो इट मींस ग्लास इज ऑप्टिकली डेंसर देन वाटर एंड वाटर इज ऑप्टिकली रेयरर देन ग्लास. ओके, जस्ट माइंड दिस टर्म ऑप्टिकली, दिस इज इंपॉर्टेंट. ओके, नाउ यू कैन नोट दिस. सो हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टर्म को समझने की कोशिश की कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्चुअल में क्या समझाता है, क्या बताना चाहता है और किस पर्पस के लिए बनाया गया. सो कुछ कंक्लूजंस बेस्ड ऑन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. कंक्लूजन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, नंबर वन, हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मींस डेंसर मीडियम. जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उसे हम कहेंगे दिस इज अ डेंसर मीडियम. लेकिन ये डेंसर जो टर्म है ये किसके रिस्पेक्ट में यूज कर रहे हैं? हमने ये देखा था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम. मतलब कंपेरिजन किससे था? हमेशा वैक्यूम से, हमेशा एयर से, कि किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट में कितना होना चाहिए, क्योंकि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है. जैसा आपने देखा होगा जो हम डेंसिटी कैलकुलेट करते थे मास अपॉन वॉल्यूम में, उसमें हम वाटर की डेंसिटी को 1 लेते थे, कि 1 kg/m³ ऐसा करके लेते थे. तो यहां पे हमने क्या करा, हमने बेस को एयर ले लिया, जो हमारा बेस बना वो क्या बना, एयर. हम हर चीज को कंपेयर करेंगे एयर के बेसिस पे. ओके, सो रिफ्रैक्टिव हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मींस डेंसर मीडियम, दिस डेंसर इज रिलेटिव टू एयर. ठीक है, डेंसर मीडियम आगे हम लिख लेते हैं, कंपेयर टू एयर. इट इज ऑलवेज कंपेयर टू एयर. ओके, सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई है. अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई है मतलब वो ज्यादा डेंस है, मतलब वो ज्यादा घना है,
तो घने जंगल में भागना दिक्कत का काम है, हम आसानी से नहीं भाग सकते, इट मीन्स डेंस एंड मीडियम में लाइट की स्पीड कम होगी। सो सेकेंड, स्पीड ऑफ लाइट इज लेस इन अ मीडियम ऑफ हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मतलब जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है उसमें लाइट की स्पीड भी कम है। सो कंक्लूजन में, सेकेंड कंक्लूजन इज व्हाट, इट इज स्पीड ऑफ लाइट इज लेस इन अ मीडियम ऑफ हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मतलब जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उसका स्पीड, उसमें स्पीड ऑफ लाइट कम होगी और वो ज्यादा डेंस होगा। ओके, सो लेट अस कंपेयर सम डिफरेंट मीडियम्स, हम कुछ मीडियम्स को कंपेयर करते हैं। सो मेरे सामने यहाँ पे चार अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, चार अलग मीडियम्स के लिखे हुए हैं। सबसे पहला NICE रिप्रेजेंट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ आइस, इट इज 1.31। देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अल्कोहल इज 1.36। देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ केरोसिन इज 1.44 एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42। ओके, नाउ लेट अस ट्राई टू कंपेयर दीज फोर मीडियम्स। इन मीडियम्स में अलग अलग मीडियम्स को हम कंपेयर करके देखते हैं कि किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, कौन डेंस है, कौन डेंस नहीं है, या फिर कहे कौन रेयरर है। अगेन, ऑप्टिकली कौन डेंस है और ऑप्टिकली कौन रेयर है, इट मीन्स डेंसर एंड रेयरर, एंड किसमें लाइट की स्पीड ज्यादा है, किसमें लाइट की स्पीड कम है, यूजिंग दिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नाउ इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो कॉन्सेप्ट है ये माइंड में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्लियर नहीं है सो रिफ्रैक्शन समझने में बहुत दिक्कत आएगी। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड इट वेरी केयरफुली। नाउ लेट अस कंपेयर, फर्स्ट कंपेयर आइस एंड केरोसिन। क्या हम आइस और केरोसिन को कंपेयर कर सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बेसिस पे? यस, आइस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इट सेज इट इज 1.31, केरोसिन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इट इज 1.44। सो विच इज डेंसर एंड विच इज रेयरर? वी कैन से जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा वो डेंस होगा। सो इट मींस आई विल राइट, लेट अस राइट हियर, क्या लिख सकते हैं हम, कौन डेंस है? केरोसिन इज डेंसर देन आइस। ओके, सो आई कैन राइट केरोसिन इज डेंसर देन आइस। एंड क्या हम आइस को डायमंड से कंपेयर कर सकते हैं? यस, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 2.42, आइस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.31, सो विच इज डेंसर? आई विल राइट
डायमंड इज डेंसर देन आइस. नाउ डायमंड क्या है? डायमंड आइस से ज्यादा डेंस है, डेंसर मीडियम है. सो स्पीड ऑफ लाइट की अगर हम कंपैरिजन करें कि किसमें स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगी, सो आइस और डायमंड में कंपेयर करने पे स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा किसमें होगी? अकॉर्डिंग टू दिस रूल, इट रूल सेज स्पीड ऑफ लाइट इज लेस इन अ मीडियम ऑफ हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. मतलब डायमंड में स्पीड ऑफ लाइट कम होगी, आइस में स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगी. सो हमने अभी लिखा कि डायमंड इज डेंसर देन आइस, और इसी के नीचे हम लिख सकते हैं स्पीड ऑफ लाइट इज मोर इन आइस देन डायमंड. डायमंड से कंपेयर करने पे विल से स्पीड ऑफ लाइट इज मोर इन आइस, आइस में लाइट की स्पीड ज्यादा होगी, डायमंड में कम होगी क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है. नाउ अल्कोहल और केरोसिन को कंपेयर कर सकते हैं क्या? अल्कोहल और केरोसिन, अल्कोहल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.36, केरोसिन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.44. सो आई विल से अल्कोहल इज रेयरर देन alcohol is rarer than kerosene. So I will write this is okay. Now try to compare speed of light in alcohol and diamond. kya hum light ki speed alcohol aur diamond mein compare kar sakte hain? yes. kaun sa rule use karenge? this conclusion. इट से स्पीड ऑफ लाइट हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में कम होती है. तो डायमंड का 2.42, अल्कोहल का 1.36. सो आई कैन राइट स्पीड ऑफ लाइट इन अल्कोहल इज मोर compared to diamond. तो diamond में light की speed कम होगी, alcohol में light की speed ज्यादा होगी. So these are some basic conclusions जो कि हमने इन चार refractive index के basis पे निकाले. इसका मतलब refractive index एक बहुत ही convenient way है किन्हीं भी दो substances को compare करने के लिए. अभी तक हमने देखा है कि ये जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैं, ये सभी कंपेयर्ड हुए हैं किसके बेसिस पे? एयर के बेसिस पे. इन सभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हमने एयर को बेस लेके, वैक्यूम को बेस लेके निकाला है. नाउ अब वैक्यूम को बेस लेके निकाला है, इसका क्या मतलब? इसका ये मतलब होता है कि हमने अभी तक जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखे हैं, हमने कौन सी सरफेसेस माने हैं? हमने ये माना है कि आइस और ये जो आइस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.31, हमने इसको कंपेयर कैसे किया? हमने ये माना कि आइस और वैक्यूम या आइस और एयर का एक इंटरफेस है, और जो रिफ्रैक्शन हो रहा है लाइट इस वक्त एयर से होके आइस के अंदर जा रही है. अगर अल्कोहल की बात करें तो कि एक ग्लास में अल्कोहल भरा है और लाइट जो है वो हवा से, एयर से पास होके अल्कोहल में जा रही है, मतलब लाइट का मूवमेंट कहां से है? सो दिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताता है कि लाइट का मूवमेंट है फ्रॉम एयर टू आइस. इस केस में फ्रॉम अल्कोहल, सॉरी एयर टू अल्कोहल, इस केस में एयर टू केरोसिन, इस केस में एयर टू डायमंड. नाउ अब सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बेसिस पे हम जो बता रहे हैं कि एक मीडियम जो है वो ज्यादा डेंस है, एक मीडियम में लाइट की स्पीड कम है, लेकिन इससे क्या, इससे रिफ्रैक्शन कैसे साबित हो रहा है? हमने तो लाइट की स्पीड कंपेयर कर ली, लेकिन रिफ्रैक्शन तो होता है बेंडिंग ऑफ लाइट, लाइट का मूवमेंट, लाइट का भटकना. तो उस चीज को हम इससे कैसे फाइंड करें, ये हम कैसे बताएं कि किस मीडियम में रिफ्रैक्शन ज्यादा होगा, किस मीडियम में रिफ्रैक्शन कम होगा, हमें ये बताना है. सो इट इज वेरी बेसिक, आपको ये याद रखना है कि जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उस मीडियम में रिफ्रैक्शन भी ज्यादा होगा.
ऑब्वियस सी बात है, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है मतलब वहां पे लाइट की स्पीड में चेंज ज्यादा आ रहा है। आपने देखा था एयर में लाइट की स्पीड कितनी थी, 3 × 10⁻¹, वाटर में कितनी थी, 2.25 × 10⁻¹, तो चेंज कितना आया, लगभग 0.75 का। अगर वही मैं कंपेयर करूं एयर और ग्लास को, तो एयर में 3 × 10⁸, ग्लास में 2 × 10⁸। सो जो डिफरेंस आया वो पूरा 1 का आया, 1 × 10⁸ का डिफरेंस यहां पे हमें देखने को मिलेगा। सो इट मींस लाइट की स्पीड में जहां पे चेंज ज्यादा होगा, जो डिफरेंस है वो ज्यादा होगा, जितना बड़ा गैप होगा उतना ज्यादा वहां पे रिफ्रैक्शन होगा, लाइट उतना ज्यादा अपने पाथ से भटक जाएगी। ओके, सो आई कैन राइट इन दिस थर्ड कंक्लूजन, आई कैन से मोर रिफ्रैक्शन इन मीडियम ऑफ हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है उस मीडियम में रिफ्रैक्शन भी ज्यादा होगा। रिफ्रैक्शन हमने कल देखा था, एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है, अभी उसको फर्दर और डिस्कस करेंगे, बट फॉर टाइमिंग हम ऐसा मान लेते हैं। सो इस केस में किस में ज्यादा होगा, अगर मैं केरोसिन और एल्कोहल को कंपेयर करूं, सो आई विल से रिफ्रैक्शन इन केरोसिन इज मोर कंपेयर टू रिफ्रैक्शन इन एल्कोहल, देन रिफ्रैक्शन इन डायमंड इज मोर कंपेयर टू रिफ्रैक्शन इन आइस, या ऐसा कहें रिफ्रैक्शन इन अल्कोहल इज लेस कंपेयर टू रिफ्रैक्शन इन डायमंड, बिकॉज इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। सो इट मीन्स जहां ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वहां ज्यादा रिफ्रैक्शन, जहां ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वहां कम लाइट की स्पीड। ओके, सो दिस इज अ बेसिक टर्म रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सो यू कैन नोट दिस, वी विल सी सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस।